ऑल राइट स्टार्ट करें बच्चों। सो वेलकम बैक टू अवर यो यो। समझ में आयो। प्रेम रतन धन आयो। आज के बायो क्लास में हम लोग बहुत ही यूनिक टॉपिक और डे टू डे लाइफ में सीखने लायक टॉपिक लेंगे। पहले बच्चों इसका हाई फाई वर्ड देख लेते हैं। सो आज की क्लास है यो यो आर्थ्रो। ओके, कहीं भी अगर हम लोग आर्थ्रो वर्ड सुनते हैं सो आर्थ्रो का मीनिंग तुमको क्या समझता है बच्चों, क्या होना चाहिए? अच्छा, तुमने आर्थ्रो वर्ड कहाँ कहाँ सुना है बताओ। जैसे आर्थ्रोपोडा, करेक्ट है। जानवरों के कैटेगरी में एक फाइलम होता है जिसे आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा में सारे अपेंडेजेस जॉइंटेड है। बुढ़ापे में एक बीमारी होती है जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस में आइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन, और आर्थ्रो मतलब जॉइंट। सो बच्चों आज का टॉपिक हम लोग मेजरली सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मैं तुमको उसका एनसीईआरटी थियरी भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ रियल बोन स्पेसिमेंट्स के साथ तुमका उसका कोरिलेशन करवा के दूंगा कि कौन सा डायग्राम अपने बॉडी में कहां कनेक्ट होता है। सो रूल बड़ा सिंपल है, वापस से सिर्फ अच्छे से ऑब्जर्व करना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। नाउ टू बिगिन विथ, सबसे पहले ना बच्चों हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन चलेगा जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन का। तो सब लोग ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसके बाद के दो तीन प्रेजेंटेशन में यही फ्लो चार्ट के हिसाब से चलेंगे। नाउ बायोलॉजी ये कहता है हमसे कि जॉइंट्स तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन, कुछ कुछ जॉइंट्स कभी भी मूव ही नहीं करते बेटा, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड जॉइंट्स। कुछ कुछ जॉइंट्स थोड़ा बहुत मूव करते हैं सो उसको हम लोग क्या बोलना है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। एंड लास्टली जो जॉइंट्स एकदम आराम से मूव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट, फिक्स्ड जॉइंट का दूसरा नाम है फाइब्रस जॉइंट। मेरे बच्चों मेरे साथ इसको बाय हार्ट करते चलो। फिक्स्ड जॉइंट का दूसरा नाम है फाइब्रस जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और हम लोग इसको कार्टिलेज जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इसका नाम फाइब्रस जॉइंट इसीलिए रखा है क्योंकि इस वाले जॉइंट में दो हड्डियों के बीच में ऐसे फाइबर्स होते हैं जो दोनों हड्डियों को टाइट पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से ये वाला जॉइंट हिलता ही नहीं है बेटा। यहां पर कैसा है, दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज होगा, वो कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है सो उसकी मदद से ये जॉइंट्स थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। वेरेस लास्ट वाले को बोला जाता है साइनोवियल जॉइंट्स, क्योंकि इस कैटेगरी में दोनों हड्डियों के बीच में एक कैविटी होती है, एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसको साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, और उसके अंदर जो पानी भरा होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। सो देखो सबका दूसरा नाम हमने लिख लिया बेटा। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर इज सबका तीसरा नाम भी है, बहुत हाई फाई नाम है, ध्यान देना। पहले वाले का तीसरा नाम है सिन आर्थ्रोसिस। सब लोग प्रोनाउंस करो बेटा। ओके, सेकेंड वाला ट्राई करना। इसका एक और नाम है एम्फी आर्थ्रोसिस। बोलो बच्चों, एम्फी आर्थ्रोसिस। एंड दिस लास्ट वेराइटी इज कॉल्ड एज डाय आर्थ्रोसिस। क्या नाम है बेटा? डाय आर्थ्रोसिस। इतना अभी का भी बाय हार्ट करो, एक मिनट का टाइम देता हूं, अच्छे से देख लो इसको। हो जाए तो बताओ।
अब ये खाली इंट्रोडक्शन है बच्चों कि जॉइंट्स ऐसे तीन टाइप के होते हैं। एक जॉइंट ऐसा है जो हिलता ही नहीं, एक ऐसा है जो थोड़ा बहुत हिलता है, और एक ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा हिलता है। हमारे जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। जहां जहां पे बॉडी पार्ट्स एकदम फिक्स्ड है वो इसकी वजह से। अब आगे का स्टोरी ऐसा है बच्चों, पहले सिर्फ टाइटल देखेंगे, फिर जब उसका डिटेलिंग आएगा ना तो बहुत सुपर है बच्चों। सिन आर्थ्रोसिस में टोटल तीन टाइप्स होते हैं, एम्फी आर्थ्रोसिस में भी मेरा बच्चा याद रखना टोटल तीन टाइप्स होते हैं, और डाय आर्थ्रोसिस के अंदर टोटल सिक्स टाइप्स होते हैं। यानी अब ना पूरे लेक्चर में अवस्थी सर तुमको पहले ये तीन टाइप सिखाएंगे, फिर ये तीन टाइप सिखाएंगे, उसके बाद छह टाइप। यानी आप मान लो 12 अलग अलग जॉइंट्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट जब प्रेजेंटेशन में चलेगा ना तो ये याद रखना कि पहले तीन वाले इसके टाइप हैं, बाद में जो तीन टाइप डिस्कस करेंगे वो ये है, और लास्ट के छह टाइप इसके हैं बेटा। ठीक है, टाइटल देख लेते हैं। यहां पे फर्स्ट टाइप को कहते हैं सूचर्स, सेकेंड टाइप को कहते हैं सिन डेस्मोसिस, और थर्ड टाइप को कहते हैं गोम्फोसिस। चलो बच्चों रिपीट करो, फर्स्ट टाइप क्या है? सूचर्स। सेकंड टाइप सेंडेस्मोसिस, और थर्ड टाइप गोम्फोसिस। इसका मीनिंग क्या है थोड़ी देर में देखते हैं, अभी खाली टाइटल टू टाइटल चल रहे हैं। यहां पर भी तीन टाइप कंसीडर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलेंगे क्या बना बेटा? यस, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट्स। सेकेंड टाइप है सिन कॉन्ड्रोसिस, क्या है बच्चों? सिन कॉन्ड्रोसिस। और थर्ड टाइप को हम लोग बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या बोलना बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। चलो यहां पे छह टाइप देखते हैं अभी। देखो ये सिक्स तक दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ, दिख रहा है ना? ओके, ध्यान देना। फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या है बच्चों? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड वेराइटी इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। थर्ड वेराइटी प्रोनाउंस करना कॉन्डिलॉइड जॉइंट, क्या है बेटा? कॉन्डिलॉइड जॉइंट। Then we have next variety which is called as gliding joint. Some of the books will mention it as to be sliding joint. दोनों भी same होता है बेटा। Then next what we have is called as pivot joint. And the last is called as saddle joint. Okay, चलो यहां हमारा classification finish हो गया बच्चों। ठीक है, मतलब ये कैसा है ना, आज के लेक्चर का रोड मैप है। अब एक के बाद एक डिटेलिंग चालू होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सूचर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग सिंडेस्मोसिस पे जाएंगे, फिर हम लोग गोम्फोसिस पे जाएंगे। ये तीनों से रिलेटेड बच्चों आपको याद रखना है कि ये तीनों जॉइंट्स हिलते ही नहीं है, ये वाले तीन थोड़ा बहुत हिलेंगे, और ये वाले जो छह वेराइटी है ये एकदम आराम से मूव करेंगे बेटा। ओके, इसका फोटो क्लिक कर लो और एक बार देख लो इसको ध्यान से, फिर मैं रब करता हूं। ओके, चलो रिवाइज करें बेटा। फिक्स्ड जॉइंट दूसरा नाम था फाइबरस जॉइंट, इसका तीसरा नाम था सिन आर्थ्रोसिस, करेक्ट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम था कार्टिलेज जॉइंट, और तीसरा नाम एम्फी। तुमने एक बात नोटिस किया, एम्फी यानी दोनों, तो थोड़ा बहुत फिक्स्ड जॉइंट की तरह टाइट भी था और थोड़ा बहुत फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की तरह मूवेबल भी था, इसलिए उसका नाम रख दिया एम्फी आर्थ्रोसिस। लास्ट वाला तुमने पढ़ा था फ्रीली मूवेबल जॉइंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइनोवियल जॉइंट,
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायआर्थ्रोसिस। अब सबके टाइप्स देखते हैं बेटा। हम लोग ने सबसे पहले फिक्स्ड जॉइंट की बात की थी। फिक्स्ड जॉइंट का दूसरा नाम है फाइबरस जॉइंट्स। अब बच्चों इसमें कैसा है ना, तुमको ये याद रखना है कि इसमें दो हड्डियों के बीच में कौन सा टिश्यू होगा। देखो डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, बाय हार्ट करके रखो। सो दो हड्डियों के बीच में डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसके तीन टाइप है जिसमें से इसका पहला टाइप चालू करते हैं। पहले टाइप को बोलते हैं सूचर्स। सूचर्स का मीनिंग है जिगजैग लाइन। ये सूचर्स आपको देखने मिलेगा स्कल बोन में। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारा दोस्त ऐसा सोया हुआ है, दिख रहा है बेटा? अब यहां उसका हेड है, ऊपर को देख रहा है वो, चेस्ट एब्डोमेन लेग्स। अब हम लोग ने इसके हेड पे पोस्टमार्टम कर देना है बेटा। इसको बोलते हैं लाइव पोस्टमार्टम, समझ रहे हो? आदित्य चाकू दो। हाँ पहले काटने से पहले परमिशन लेने का, बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल ना। एंड तुम चालू लेक्चर में चाकू लाते बेटा, कितनी गलत बात है। कट करते ध्यान देना। इसको बोलते हैं हेयर बैंड कट। क्या बोलते हैं इसको? हेयर बैंड। अच्छा तो यहां से लेके यहां कट किया, अब इमेजिन करो उसका स्किन ओपन हो जाएगा। तो स्किन ओपन हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिर हम लोग स्किन हटा रहे। स्किन हटा दिया मैंने, हाथ में थोड़ा ब्लड लग गया, रुको साफ करके आता हूं। अब उसका स्किन हटा दिया तो अपने को उसका डायरेक्ट बोन दिखेगा बेटा। ये देखो फ्रेंड का बोन दिख रहा है बेटा, असली में काटा है तुम लोग के लिए। देखो ऐसा टीचर के मिलेगा बेटा तुमको? नहीं। हाँ किसी को बताना नहीं है। Okay. अच्छा तो अब ये स्कल बोन को ऐसे आप सामने से देख रहे हो, पर ये दोस्त ऐसा सोया हुआ है, तो आप उसके स्कल को अब टॉप व्यू देख रहे हो ना, ऊपर का सरफेस देख रहे हो। अब पहले ड्रॉ करता हूं फिर इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। अब ऐसे सोए हुए पोजिशन में जब हम लोग हेयर बैंड कट करके स्किन हटा देते हैं तो आपको सिर्फ बोन दिखता है। अब इंसान के स्कल को अगर आप ऊपर से देखोगे ना बच्चों, ध्यान से देखना, तो भगवान ने क्या किया मालूम है, स्कल की जो दो दो हड्डियां होती है ना, वो दोनों हड्डियों को ना पॉइंटेड मार्जिन दिया बेटा, और इस तरह से दिया है कि ये इनका पॉइंटेड मार्जिन जिगजैग मार्जिन एक दूसरे में फिट हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो ये अगर एक दूसरे में फिट हो जाएगा तो तुमको केवल यही नजर आएगा ना, राइट? और इनके फिट करने के लिए यहां पे डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है। सब लोग रिपीट करो, क्या होता है बेटा? डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा तो अगर हम लोग दोस्त के स्कल को ऊपर से देख रहे हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि इसके स्कल में यहां पर एक सूचर होता है, इसे बोलते हैं कोरोनल सूचर। मेरा बच्चा क्या बोलते हैं इसको? कोरोनल सूचर। अच्छा उसके अलावा कोरोनल सूचर के अलावा एक जिगजैग लाइन एकदम मिडल में होगी, इसे बोलते हैं सजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं बेटा? सजाइटल सूचर। अच्छा फिर एक जिगजैग लाइन पीछे की तरफ आएगी, और ये कैसे है ना, देखो कहीं ना कहीं फिजिक्स का लैम्डा बना रहा है ऊपर से और साइड से, इसीलिए इस वाले सूचर को बोलते हैं लैम्बडोइडल सूचर। मेरा बेटा क्या बोलते हैं इसको? लैम्बडोइडल सूचर। अब लैम्बडोइडल में ऑइड का मतलब है लाइक, जैसे क्यूबॉइड मतलब क्यूब लाइक, न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस लाइक, वैसे लैम्बडोइड यानी लैम्बडा लाइक, ठीक है? देखो यहां से कुछ रटने की जरूरत नहीं है, यहां से हर एक टाइप ना कॉन्सेप्ट है, तुमको अपने आप याद हो जाएगा, खाली ध्यान से देखते जाना बेटा।
अब इसके अलावा यहां साइड में भी सूचर्स होते हैं जो टॉप व्यू में नहीं नजर आते हैं, बट फिर भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस सूचर को हम लोग बोलेंगे लैटरल सूचर। क्या बोल रहे बेटा? लैटरल सूचर। अब इसमें एकदम कमाल की बात यह है कि इंसान के स्कल बोन में भगवान ने चार तरह के सूचर्स दिए। सूचर्स कैसे हो जाते हैं मालूम है? दो देश के बीच में जैसे बॉर्डर होता है ना, उस तरह के मार्किंग्स हैं। तो ये कंट्री अलग, वो कंट्री अलग, वैसे ही यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सूचर्स की वजह से स्कल बोन का जो आगे वाला बोन है उसको फ्रंटल बोन बोलेंगे, सजाइटल सूचर के आजू बाजू है पैराइटल बोन, पीछे ऑक्सीपिटल बोन और साइड्स में टेम्पोरल। मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म मेंशन कर देता हूं, सब लोग रिपीट करो। एफ से पी से पैराइटल, टी से टेम्पोरल, अच्छा बचा कौन सा? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। यहां तक किसी को कोई परेशानी बेटा? ओके, सब लोग अच्छे से याद कर लो अपने बॉडी पे। हमारे स्कल में ये आगे का फ्रंटल बोन है, फिर ऊपर यहाँ पे दो हड्डी है इसको पैराइटल बोन है, साइड्स में दो हड्डी है टेम्पोरल और पीछे एक हड्डी है ऑक्सीपिटल। तुम्हारे आगे के हड्डी और पैराइटल हड्डी के बीच में जो जिगजैग लाइन है वो कोरोनल, दोनों पैराइटल के एकदम बीच में जो है वो सजाइटल, और ऑक्सीपिटल के ऊपर जो दो डिवाइड हो रहा है वो लैम्बडॉइडल, और टेम्पोरल के ऊपर जो है वो लैटरल। इतना समझा बच्चों? ओके, देखते जाना। अब सोचो ये सब के सब कैसे जॉइंट है? क्या आपने स्कल बोन्स हिलते हैं क्या? कि किसी का पैराइटल हिल रहा है, किसी का ऑक्सीपिटल हिल रहा है। अब यहाँ पे कैसा है, कुछ बच्चे ऐसा इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, बोलते सर मेरा तो ये देखो हिल रहा है। अब ये तुम्हारा स्किन हिल रहा है रे, हड्डी हिलता नहीं है। अगर तुम्हारा हड्डी हिल रहा है ना बेटा, तो आप लेक्चर के बाद मेरे क्लिनिक में आओ, आपका एक्सरे करता हूं मैं, देखना पड़ेगा फ्रैक्चर हुआ होगा। कोई कोई लोग को बोलते ना क्रैक पॉट है। ओके, तो इस तरीके से कुछ कुछ पार्ट एक्सीडेंट के टाइम पे हिलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हिलेगा नहीं। अब कितनी कमाल की बात है मालूम है, जन्म के टाइम पे अगर हम लोग न्यूबॉर्न को देखेंगे, न्यूबॉर्न यानी बच्चू, बच्चू मतलब बच्चा नहीं बच्चू, बच्चू क्यूट वर्ड है बेटा, बच्चू मीन बच्चू ओनली। ओके, अब न्यूबॉर्न बच्चू के स्कल में भगवान ने छह जगह पे गैप्स दिए होते हैं, इन गैप्स को बोलते हैं फॉन्टेनेल्स। क्या बोलते हैं? यानी ये देखो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल तुम बैठे हो ना, तुम्हारा ये पैराइटल बोन और ये पैराइटल बोन, ये मैंने बाहर निकाला, ये दिख रहा बेटा? नहीं दिख रहा, तुम्हारा निकालो बाहर। दोनों नौटंकी मत किया करो, मारे गए। दोनों हड्डियों में जिगजैग मार्जिन है, एंड दिस जिगजैग मार्जिन विल फिट इनटू ईच अदर, सो दैट आपको खाली बाउंड्री दिखेगा ना, ऐसा ऐसा जिगजैग। अब होता क्या मालूम है, छोटे बच्चे के इसमें मान लो ये लॉक हुआ, ये लॉक हुआ, ये आगे का पार्ट लॉक नहीं हुआ, तो ऐसा अगर उसके सिर पे रखा तो छोटे बच्चे के यहां पता है अगर आप प्रेस करोगे तो सॉफ्ट होएगा, ये एरिया को दबाओगे तो अंदर दब जाता है, तो हमको टेंशन आता है अरे ये प्लास्टिक का बोतल दब गया अंदर, तो हम लोग आजू बाजू से दबा दबा के उसको निकालने की ट्राई करते। अब छोटे बच्चे का भगवान ने स्कल ही ऐसा बनाया, याद रखो छह जगह पे ऐसे गैप्स होते हैं, छह जगह से ये दब सकता है। ये मैं तुमको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि खेलने का नहीं दबा दबा के। ओके, इसको फॉन्टेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉन्टेनेल्स। अब सोचने वाली बात यह है, पहले छोटा होमवर्क दे देता हूं। ओके, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यू विल फाइंड आउट बाय व्हाट एज दीज फॉन्टेनेल्स विल क्लोज, ये आपका होमवर्क है और ये आपको कमेंट सेक्शन में आके पोस्ट करना है, कोई अभी रैंडमली नहीं बताएगा, एवरीबडी विल फाइंड आउट एंड यू विल पुट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, अब पॉइंट ऐसा है कि भगवान चाहता ना तो ये गैप नहीं देता, स्कल को एकदम टाइट फिट करके ही बच्चे को भेजता।
बट ये गैप्स देने का इंटेंशन ये था. नंबर वन, नेचर वांटेड टू अलाउ द प्रोसेस ऑफ लेबर. व्हाट इज लेबर? बच्चू इज लेबर, ए चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है. प्रथम व्हाट इज लेबर बेटा? मजदूर. वाह बहुत अच्छे, ये बायो से निकल के चले गए सिविक्स में. लेबर मीन चाइल्ड बर्थ. लेबर पेन होता है ना बेटा, तू क्या चाइल्ड बच्चू बच्चू कहा मजदूरी पे. हाँ यार सही में बायो का नाम खराब कर रहे हैं लोग. लेबर यानी चाइल्ड बर्थ, ठीक है ध्यान देना सब लोग. इससे अच्छा मैं अमन को पूछ लेता है, अमन पूरा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करता. क्या सर आप मेरे को ही छोड़ते रहते हो. देखो एक बात समझ लो, जिससे प्यार ज्यादा रहता है इंसान बात उससे ज्यादा करता है, इतना हमेशा समझ जाओ. ओके कमिंग बैक, पार्चुरेशन. नाउ पार्चुरेशन इज ऑल्सो सेम एज लेबर ओनली. चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन भी बोल सकते हैं, उसको लेबर भी बोल सकते हैं. कितनी कमाल की बात है. सोचो लेट अस से सपोज फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सिचुएशन लाइक दिस. यहां देखना बेटा, सपोज एक दीवार में इतना होल है, ओके और उस होल से हम लोग ये एक बड़ा सीमेंट का बॉल हम लोग उसमें से पास करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज एग्जाम्पल वन. एग्जाम्पल टू, सीमेंट के बॉल के बदले इतना बड़ा प्लास्टिक का कलेक्शन. अब आउट ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टिक कौन सा वाला उसमें से आर पार चले जाएगा? प्लास्टिक. व्हाई? बिकॉज इट हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, यानी वो मोल्डेबल है ना, उसका शेप फ्लेक्सिबल है बेटा. वैसे ही आप सोचो, अगर भगवान ने ये सूचर्स को टाइट बंद कर दिया होता और बच्चा 9 महीने तक अगर मदर के वूम्ब में है, सो दिस आउटलेट इज लाइक वजाइना का आउटलेट. ठीक है, तो बच्चा जब वजाइना से बाहर आता है, बच्चा जब डिलीवर होता है, अगर उसको फॉन्टेनेल्स नहीं दिया होता तो उसका स्कल एकदम टाइट होता, और टाइट स्कल रहता तो स्कल का शेप चेंज होता नहीं. इसीलिए डिलीवरी के टाइम जब मदर को लेबर पेन, एब्डोमेन में पेन आता है, एंड व्हेन मदर स्क्वीजेस द बच्चू फ्रॉम द वजाइना टू द आउटसाइड वर्ल्ड, सो उसमें बच्चे के सिर में फॉन्टेनल्स होने की वजह से उसके सिर का शेप चेंज हो सकता है, और कहीं कहीं से वो दब दबा के अल्टीमेटली वो बच्चा निकल सकता है ना बेटा. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन से दैट नेचर हैज प्रोवाइडेड फॉन्टेनल्स सो एज टू अलाउ द प्रोसेस ऑफ लेबर एंड पार्चुरेशन टू टेक प्लेस स्मूथली. बोलो यस और नो. ओके सेकेंड रीजन, God has given us fontanelles to allow brain growth. मैं तुमको एक हिंट दे देता हूं, ये fontanelles एटलीस्ट 1 साल की उम्र तक तो क्लोज नहीं होने वाले. बच्चा पैदा हो गया, 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया. अच्छा ये कब क्लोज होगा ये तुम लोग फाइंड आउट करोगे, बट कैसे भगवान इसको तुरंत क्लोज नहीं करते. अब भगवान क्या सोच के रखे हैं, नेचर ने सोचा है कि भाई अंदर का ब्रेन को थोड़ा ग्रो हो जान दो, थोड़ा एक्सपांड हो जान दो, वरना सोचो अगर फॉन्टेनेल बंद रहता तो ब्रेन एक्सपांड नहीं हो पाता. एक तो वैसे भी दिमाग की कमी है, उसमें भी अगर उसको एक्सपांड होने की जगह नहीं मिलेगी तो और कम हो जाएगा बेटा. ओके सो दिस इज टू अलाउ ब्रेन ग्रोथ. सो ये दो रीजन की वजह से फॉन्टेनेल्स दिया. ये समझा सबको? चलो अभी इसको बोन में देखो और रियल बॉडी के हिसाब से इमेजिन करते हैं, ठीक है. ये लाइन डाउन पोजीशन है दोस्त की. ओके अच्छा, अब स्कल का ऊपर वाला पार्ट अगर कट कर दें तो ये स्कल कैप. ओके स्कल कैप को ही नोटिस करना है मेन में. अब स्कल कैप में एवरीबॉडी नोटिस, यहां पे जिगजैग लाइन है, ऑन स्क्रीन दिख रहा है करेक्ट. इसको कोरोनल सूचर बोलेंगे बेटा. अच्छा सजाइटल सूचर कहां होगा? ये वाली जिगजैग लाइन ऑलमोस्ट वही है ना. ओके दैट इज सजाइटल सूचर. अच्छा अब लैम्डोइडल देखना.
अब ये इंसान मेरी तरफ देख रहा है तो पीछे तुमको लैम्बडोइडल सूचर दिख रहा है। लैम्बडोइडल सूचर आप नोटिस करो कि ये सजाइटल आया, ये देखो ये यहां पे स्प्लिट हो रहा है और ये यहां पे स्प्लिट हो रहा है, ओके। और अगर हम लोग साइड व्यू में देखते हैं तो अभी अपने को लैटरल सूचर देखना है। सब लोग एकदम ध्यान से देखना, लैटरल सूचर ना यहां पे जिगजैग लाइन है, हल्की हल्की एकदम, ओके चेक, ओके। इस वाले साइड पे ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ये देखो ये वाली लाइन, थंब को फॉलो करो, ये लाइन दिख रहा है बेटा, ओके। करीब ले आता हूं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग लैटरल सूचर बोलते हैं, राइट चेक। अच्छा तो ये जो डायग्राम हम लोग ने ड्रॉ किया है सिंपल इमेजिनेशन के हिसाब से, ये ऐसा डायग्राम है ना, देखो तो इसमें अपने को पता चल रहा है कि ये कोरोनल सूचर ये वाला, फिर ये सजाइटल, पीछे जाके ये लैम्बडोइडल बना और साइड में लैटरल सूचर। हड्डियों का नाम ध्यान दो, आगे ये कौन सी हड्डी, फ्रंटल, रूफ में, साइड्स में, बैक में, ऑक्सिपिटल, कितना याद हुआ बेटा, बहुत अच्छा। टोटल 12 अलग अलग जॉइंट्स के टाइप है, भूलना मत, जिसमें से अभी एक ही हुआ है, क्योंकि तीन टाइप में से पहले वाले के तीन टाइप, दूसरे वाले के तीन और लास्ट वाले के छह टाइप। सो ये फर्स्ट टाइप यहां खत्म हो गया। चलो अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज गोम्फोसिस। क्या नाम है बच्चों? गोम्फोसिस का दूसरा नाम है, पढ़ो क्या है अमन, पैग क्या होता है बेटा? तू हंस क्यों रहे हो? अमन पैग क्या होता है बेटा? आज ही मिलेगा। थोड़ा हंसो माता, अमन सीधा साधा है प्लीज। पैग का मतलब होता है पॉइंटेड स्ट्रक्चर। पैग का मतलब पैग का वो मतलब नहीं होता है जिसकी वजह से तुम हंस रहे हो। किसकी वजह से? और आदित्य तेरे आंखों में नशा देखा मैंने। और सॉकेट का मतलब होल। अब जब भी एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर एक होल में फिट हो जाए, वैसे टाइप के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं गोम्फोसिस। क्या बोलते हैं? गोम्फोसिस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि भगवान ने जो हमको दांत दिया है, दांत का जो लोअर पार्ट होता है, तुमको मालूम है दांत के ऊपर वाले पार्ट को क्राउन बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को रूट बोलते हैं। और दांत का जो नीचे वाला पॉइंटेड पार्ट है रूट, वो हमारे जॉ बोन के सॉकेट में फिट होता है बच्चों। हमारे जॉ बोन के अंदर जो खड्डा है, जो सॉकेट है, उसको नाम दिया है एल्वियोलाय। क्या नाम दिया बच्चों? एल्वियोलाय इज जॉ सॉकेट। Alveoli is jaw socket. Now listen to this very carefully. Alveoli तुमने lungs में भी पढ़ा होगा। Lungs में बहुत सारे balloon like structures होते हैं। ठीक है, same नाम ही है, confuse मत होना। Alveoli jaw socket को भी बोलते हैं। और इस दांत को इस jaw socket से जोड़ के रखने के लिए यहां आजू बाजू में कुछ ligaments होते हैं। उस ligament को बोलते हैं peri ओडोंटल लिगामेंट। सब लोग रिपीट करो, क्या बोलते हैं? पेरी मतलब आजू बाजू में, जैसे आप मेरे पेरीफेरी में हो, यानी आजू बाजू में हो बेटा, ओके। डोंटल और डेंटल यानी दांत, सो दांत के आजू बाजू में जो लिगामेंट है उसका नाम पेरी ओडोंटल लिगामेंट। मेक्स अ सेंस? बराबर है। अच्छा, इसी को हमने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है, इस तरह के डेंटिशन को थीकोडोंट बोलते हैं। याद है? हाँ सर। कि यादें दिलाऊं क्या? नहीं। अच्छा याद है ना, याद रखना। थीकोडोंट, पैग एंड सॉकेट, गोम्फोसिस, तीनों से एमसीक्यू में कोई भी वर्ड आ सकता है बच्चों। अब हाँ, कमिंग बैक टू द मेन वर्ड, ये कौन से टाइप का जॉइंट है? फेस। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्मल कंडीशन में दांत हिलता है क्या? और अगर तुम्हारा दांत हिल रहा है तो टूट रहा है, टूट रहा है, यानी कोई तुम्हारा 32 ही तोड़ा है बेटा,
ओके सो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा. तो नॉर्मल कंडीशन में हिलेगा नहीं क्योंकि ये सबके सब फिक्स्ड जॉइंट है बेटा. चलो थर्ड वेराइटी. थर्ड टाइटल का नाम है सिंडेस्मोसिस. सब लोग रिपीट करो क्या नाम है. सिंडेस्मोसिस जॉइंट उन हड्डियों में देखा जाता है जो हड्डियां आजू बाजू में होती हैं. जैसे हमारे फोर आर्म्स में दो हड्डियां एक दूसरे के आजू बाजू में हैं. नाम बताओ इनका. रेडियस अल्ना. रेडियस अल्ना. वेरी गुड अमन. वेरी नाइस बेटा. अरे चुप रहो मस्ती कर रहे सर बेटा. अमन वेरी गुड. सो रेडियस एंड अल्ना गर्ल्स एकदम शॉक हो गए. एक तो हम लोग आंसर दे ऊपर से सर दूसरे की तारीफ करें. क्या करें पार्शियलिटी चलती है. अरे पार्शियलिटी नहीं बेटा. नो पार्शियलिटी. अभी बॉयज आंसर करेंगे तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा. ठीक है. नहीं सर वो ही नहीं सकता. देखो एक बात समझ लो गर्ल्स. मैं पूरे अपने माइंड बॉडी और सोल के साथ तुम्हारी तरफ हूँ. समझ लो. डिस्ट्रॉय हो रहे थे. ओके अब ये दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन. सब लोग एक बार रिपीट करो प्लीज. इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन. देखो इससे आपको ये समझ में आता होगा कि इंटर यानी इन बिटवीन. राशि इंटर यानी मस्त बोलती ना. बिटवीन. इंटर यानी इन बिटवीन. ऑसियस यानी बोन. तो भाई दो हड्डियों के बीच में जो मेम्ब्रेन है जो दोनों हड्डी को पकड़ के रखी है उसको हम लोग बोलेंगे इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन. और बच्चों ये मेम्ब्रेन इतना टाइट होता है ना कि ये दोनों हड्डियों को आपस में हिलने ही नहीं देता. अब इसका नॉलेज ऐसा है कि हमारे फोर आर्म्स में दो हड्डियां हैं. यहां अंगूठे की तरफ रेडियस है और छोटी उंगली की तरफ अल्ना है. बट सोचो फोर आर्म्स में एक ही तरह का मूवमेंट होता है ऐसा डाउन एंड अप मूवमेंट. ओके ये जो मूवमेंट हो रहा है ये एल्बो में हो रहा है. बट फोर आर्म्स का खाली रोटेशन मूवमेंट होता है ना. ओके मैं आने वाले लेक्चर में तुमको सिखाऊंगा डिटेल में. इसको प्रोनेशन बोलते हैं जब पाम नीचे की तरफ फेस करता है. और इसको सुपाइनेशन. ठीक है ये कमिंग लेक्चर में मसल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सुपाइनेशन को हम लोग सूप की तरह याद रखते हैं. मान लो सूप डाल दिया कोई हाथ में. बेस्ट वे टू रिमेम्बर. ओके अच्छा हाँ. और जब भी जॉइंट्स क्लोज करते हैं उसको फ्लेक्शन बोलते हैं. सो फैलेंजेस के बीच में फ्लेक्शन हुआ यानी सब फैलेंजेस का फ्लेक्शन. सो फ्लेक्शन प्लस सुपाइनेशन प्लस एल्बो का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. हाय अल्लाह के नाम पे दे रहे बाबा. सो बायो में हर स्टेप्स का नेमिंग होता है. We are not making fun of anything. We are just giving naming. आप समझ रहे हो ना? हाँ. Okay. ना तो फिर लोग भड़क जाते हैं मालूम है? बोलते हैं गरीबी का मजाक उड़ा रहे. मजाक नहीं उड़ा रहे बेटा. चल खुद गरीब. हाँ we are learning बेटा. Okay. So this is supination. अब ये जब तुम करोगे ना ये movement. अब ये movement कब कब करते हैं जैसे चपाती बना रहे. Right. So मम्मी क्या करती है? Pronation, supination. ऐसा बताना नहीं मम्मी को. नहीं तो you will receive a flying चप्पल. बोले कि रोटी भी नहीं बनाते नहीं देता ढंग से. बायो क्या पढ़ लिया? बायो झाड़ रहा है आपके. ओके सो दैट इज प्रोनेशन सुपाइनेशन. अच्छा इफ यू डू इट फॉर योर डांस फॉर्म तो कथकली डांस फॉर्म दे डू राइट. प्रोनेशन सुपाइनेशन. तू लोग प्रथम को क्यों देख रहा है? प्रथम कथकली करता है क्या? हाँ प्रथम. नहीं ना एक घड़ी ये कर सकता है. हाँ मैं देखा इसका इंस्टा रील्स पे. ऐसा लंबा बाल लेकर ऐसा सर. अच्छा एनीवे अब जब तुमने ना ये ऐसा किया ना तो तुम्हारा रेडियस अल्ला ऐसा ऐसा आपस में नहीं हिलेगा साथ में हिलेगा. एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं. ये दोनों बोन्स को ध्यान से देखो. इन दोनों में से रेडियस कौन? अंगूठे वाला. पक्का? अब मेरे अंगूठे की तरह तो ये है सर. वो ये रेडियस है अल्लाह है. ये रेडियस है. हाँ, और ये अल्लाह है. पक्का? पक्का. तुम लोग क्या बोलते हो? बोलो दोनों में से कौन रेडियस कौन अल्लाह? कोई तो ये अल्लाह है. ये अल्लाह है.
और ये बहुत अच्छे बेटा, सुन बाहर जाके बोलना नहीं किसी को कि अवस्थी सर पढ़ाते, बोलना नहीं अवस्थी सर पढ़ाते मजाक है बेटा, ठीक है तो फिर वो बाल लंबे करके नाच भड़क जाएगा वो। अच्छा देखो यहाँ पे जो गोल गोल है ना, जिसका हेड है सर्कुलर वो रेडियस, और जिसका मुंह खुला है ना वो अल्लाह है। अल्लाह बोला था ना ऐसा यू, समझ रहे हो? अच्छा आप ध्यान से देखना, ये रेडियस और अल्लाह ना ये बाजू बाजू में होता है, ये अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह से प्लेस होगा। सपोज अब ये दोनों के बीच में तुमको दिख रहा है गैप है, इस गैप को बोलेंगे इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। तो अब ये है मेरे हाथ में, ओके अंगूठे की तरफ रेडियस होगा, मैं हवा में उड़ा सकता हूं, आई एम अ जीरो ग्रेविटी मैन। और किस तरफ अल्लाह होगा बेटा? राइट, पलों पे लगाई तुमने, मैं ये लाइन एडिट कर दूंगा। तुमने बोला ना तो मैं कॉन्शियस हो गया, मैं वापस से बैलेंस करूंगा। आई बिकेम क्लमजी। हाँ लाइट्स कैमरा टेक टू एक्शन। ये रेडियस है बेटा और ये अल्लाह है बेटा। हाँ तो रेडियस और अल्लाह बाजू बाजू में बेटा, अरे रखा तो है अभी जीरो ग्रेविटी में। तो जाता फिर गिर जाए मेरा पोपट हो जाए। अच्छा तो जब भी हम लोग हैंड्स टर्न करेंगे तो रेडियस अल्लाह साथ में मूव होगा, बट ये दोनों हड्डी आपस में मूव नहीं होगा, ये समझे बेटा? तुम लोग नरकुंडी लगाओ बस। अच्छा यहाँ हमारे एक सेक्शन हो गया बच्चों, इसका फोटो क्लिक कर लो प्लीज, फिर नेक्स्ट पार्ट। तीन टाइप हुआ, अभी नेक्स्ट तीन टाइप पे चलेंगे। तुम लोग और जादू दिखाता हूँ लेक्चर में, तुम्हें टेंशन मत लो बच्चों, बस खाली पनौती मत लगाओ। अच्छा अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट फिक्स्ड होता है, फ्रीली मूवेबल है कि स्लाइटली मूवेबल है? स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। तो अभी सब लोग दिमाग में ये याद रखना कि अभी हम लोग ऐसा जॉइंट पढ़ेंगे जो थोड़ा बहुत ही मूव कर सकता है। चलो पहले उसके थियरी से चालू करते हैं बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच जॉइंट बेटा? टी नहीं है, टी नहीं है। हाँ हाँ आ रही है बेटा, आ रही है। कौन बोला ये? आदित्य तेरा ही आवाज था, चाय चाहिए। चालू लेक्चर में चाय चाहिए, देखो इधर टीचर पढ़ा पढ़ा के थक जा रहे, वो चाय नहीं मांग रहे, बच्चे चाय मांग रहे दुष्ट के। कार्टिलेज जॉइंट विच जॉइंट बेटा? कार्टिलेज जॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच मूवेबल? स्लाइटली मूवेबल। ना इसमें भी तीन टाइप है, पहले वाले टाइप को हम लोग बोलेंगे इंटर वर्टीब्रल जॉइंट। इंटर वर्टीब्रल जॉइंट क्या समझ रहे हैं? कहां होगा ये? दो वर्टिब्रल बोन्स के बीच में है। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल लेटर से ये एक वर्टिब्रल बोन है, ओके अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो यहां पीछे की तरफ एक वर्टिब्रल बोन है, और मान के चलते हैं ये उसका स्पाइन है, और ये साइड के बोन्स के प्रोजेक्शन है बच्चों, ओके वैसे ही ये दूसरा वर्टिब्रल बोन है, ये उसका स्पाइन और ये उसके साइड के प्रोजेक्शन। अब होता क्या है कि कभी भी हमारे दो बैकबोन एक दूसरे से टच नहीं करते बच्चों, दोनों के बीच में हमेशा गैप होता है, और उस गैप में कार्टिलेज का डिस्क होता है, यानी आपके दो वर्टिब्रल बोन्स के बीच में एकदम नरम गादी जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल होगा, जिसको हम लोग को बोलना है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलोगे बेटा?
इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क किसकी बनी होती है बेटा? कार्टिलेज की बनी होती है। अब एक पॉइंट एकदम ध्यान से इमेजिन कर लो, अगर हम लोग रियल ह्यूमन बोन्स के हिसाब से देखें, तो जैसे तुम बैठे हो, ये तुम्हारा एक थोरैसिक वर्टिब्रल बोन है, ओके, तुम देख सकते हो उसका स्पाइन बाहर को आ रहा है, ये स्पाइन हम लोग ऐसे आगे की तरफ इमेजिन करेंगे, ठीक है? तुम लोग उसका साइड प्रोसेस देख रहे हो बेटा, तो ये उसका साइड प्रोसेस है, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। अब पॉइंट कैसे मालूम है, हर वर्टिब्रल बोन के अंदर होल होता है, इस होल में से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन मिल सके। अब अपने जो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना बेटा, बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम, ये साइड व्यू में अगर देखोगे ना तो ये कभी भी ऐसा टच नहीं करता एक दूसरे को, यहां ध्यान से देखना, ये कभी भी ऐसा टच नहीं करेगा, इसके बीच में पतला सा डिस्क होगा ऐसा, अब देख लो थोड़ी जगह है बेटा बीच में, और देखो कैसे ये पार्ट इस वाले पार्ट पे सपोर्ट ले रहा है, कैन यू सी दिस बेटा? राइट, अच्छा, तो यहां पर जो डिस्क है ना उसको हम लोग बोलेंगे कार्टिलेज डिस्क। क्या बोलेंगे? हम लोग इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोल सकते हैं, और इसके वजह से ही कैसा है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल है, वरना सोचो देख, भगवान को अगर प्रोटेक्शन देना ही होता स्पाइनल कॉर्ड को, तो ऐसा छोटा छोटा रिंग जिसके अंदर होल है ये बनाने से अच्छा भगवान ऐसे पूरा पाइप ही लगा देता ना हड्डी का, और उसमें से स्पाइनल कॉर्ड को उतारता। सोचो आपके पास पीछे पूरा कंटिन्यूअस पाइप है, ऐसा रिंग नहीं है, पहले भगवान ने कहीं ना कहीं नेचर ने यही किया, अंडरस्टैंड दिस, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स प्ले गॉड गॉड नाउ। अप देयर इन हेवन व्हेन गॉड वाज डिजाइनिंग वर्टिब्रल कॉलम, गॉड हैड मेड मंकीज चिंपैंजीज गोरिल्लास, ओके, तो वहां तक गॉड बोला अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी कुछ नया मॉडल चाहिए, ओके, अब यहां ध्यान दो, कनक हंसो नहीं बेटा, ध्यान दो, ये तुम लोग क्या रहे पीछे देखते रहते रहे हर बात में, ओके, हाँ, अब पॉइंट ऐसा है, तो ऑल दोज एप्स एंड मंकीज दे वर सेमी इरेक्ट और दे यूज्ड टू वॉक ऑन फोर लिम्स ऑल्सो, फिर गॉड बोला नहीं अब मेरे को इरेक्ट पोस्चर बनाना चाहिए, सो एक पूरा का पूरा पाइप इसमें से स्पाइनल कॉर्ड उतर सकता था, बट गॉड का बच्चू पाइप को काट दिया और रिंग लगा दिया, और रिंग के बीच में डिस्टेंस भी रख दिया, अब बाजू में बैठ के सैंडविच खा रहा है, भगवान आया बोला अरे मेरा इतना महंगा पाइप काट दिया, ओ माय गॉड, तो बच्चू हंसने लगा, बोला गॉड बोल रहा है ओ माय गॉड, तो बोला ये मजाक नहीं करने का, ह्यूमन बॉडी एक एक मटेरियल बहुत महंगा आता है, मार्केट में दूसरा मिलता भी नहीं है, ये पाइप मुश्किल से हार्डवेयर की दुकान से लाया था, तो बोला सुनो अगर ये पाइप लगा था और सोचो उसका 5 रुपया गिर गया है तो कैसा उठाता वो, पूरा अगर एक पूरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो बेंड होता, कट टूट जाता, अब 5 रुपए के चक्कर में लाखों रुपए का फ्रैक्चर हो गया, तो बोला इससे बेस्ट रिंग लगाते, फिर गॉड का बच्चू गॉड को समझा, ये देखो ये सैंडविच है, ये ब्रेड, ये ब्रेड बीच में बटर, बोला हाँ गुड, बोला खाने का नहीं मेरा है, बोला अगर मैं ये ब्रेड और ब्रेड को कंप्रेस करूं तो क्या होएगा, बटर बाहर आएगा, ब्रेड ब्रेड बटर, यू प्रेस द ब्रेड बटर कम, अब उसने समझाया ये डिजाइनिंग का एक फायदा एक नुकसान है, फायदा ये है कि आपको मूवमेंट मिलेगा, रिंग लगाया ना मैं, अब रिंग की वजह से जब आप आगे की तरफ बेंड करेगा तो फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, यस और नो? यस, वी कैन बेंड फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स साइड बेंडिंग एंड माताजी आल्सो, राइट करेक्ट, तो रोटेटरी मूवमेंट्स भी मिलेगा, ये इसका फायदा, बट इसका नुकसान, अगर आपने बहुत वजन लिफ्ट कर लिया यानी ब्रेड को अगर कंप्रेस किया तो बटर बार, दिस डिजीज स्लिप डिस्क, बहुत पेनफुल होता है, तुमने सुना है आजू बाजू में किसी को स्लिप डिस्क है? नहीं, कनक की खिसक गई है, एक बार ज्यादा थोड़ी, उसको स्लिप ब्रेन बोलते हैं। अच्छा ये स्लिप डिस्क कब होता है मैं बताता हूँ,
जब लोग ओवर लिफ्टिंग करते हैं. नाउ लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल, ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर नहीं है, ये डंबल है 200 किलो. तो वहां से आ रही 200 किलो फेंक के मारूं क्या? तो पकड़ लिया ना मैंने. हाँ ए हाँ सुने बेटा प्लीज, एक तो वजन उठा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए. तुमने कहीं देखा है सब बाहुबली टीचर, सॉरी बायो वाली. हाँ सपोज ये 200 किलो है. अब 200 किलो का ऑब्जेक्ट जब आप जमीन से उठाते हो, आप कॉमन मिस्टेक क्या करते हो मालूम है? ओके मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, स्पाइन को बेंड करते हैं, बेंड करते हैं फिर पकड़ते हैं फिर उठते हैं, गलत मूवमेंट. अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा हुआ है तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको बैक लॉक कर लेना टाइट, चेस्ट आउट, ठीक है? उसके बाद यू गो डाउन, फिर उसको होल्ड करो और उठो. तो उससे क्या होगा, आपके कमर और आपके नी ज्वाइंट पे सारा का सारा वजन ट्रांसमिट होगा, रादर देन द वेट गेटिंग ट्रांसमिटेड टू द ब्रेड. एंड व्हेन ब्रेड एंड ब्रेड गेट्स कंप्रेस्ड, बटर कम्स आउट. ए तुम लोग एंजॉय मत करो, इधर ध्यान दो सब लोग, समझ रहे हो राइट? इस बीमारी को बोलते हैं स्लिप डिस्क. क्या बोलते हैं इसको मेडिकल भाषा में? बोलते हैं पीआईडी. क्या बोलते हैं? पीआईडी. हाँ जैसे सीआईडी सुना है, वो फालतू होता है बेटा, ये काम का है. कुछ तो गड़बड़ है यार, ये बोल नहीं रहा है मतलब ये मर गया. कुछ भी बोलता है पागल. ओके पीआईडी स्टैंड्स फॉर प्रोलैप्स्ड इंटर वर्टिब्रल डिस्क. मेरा बच्चा एक बार फुल फॉर्म बोल क्या है? देख प्रोलैप्स हुआ यानी अपनी जगह से स्लिप हो गया ना, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी दो वर्टिब्रल बोन्स के बीच में, ये समझा? देखो लिफ्ट्स एंड कैरियर्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर ऑल दोज हु आर लिफ्टिंग, पीपल इन एथलेटिक्स, पीपल इन जिम, पीपल इन हॉस्पिटल लाइन. यू नो डॉक्टर्स को भी लिफ्ट करना सिखाते हैं. क्यों, कब काम आता है ये? हाँ पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है ना. मान लो कोई पेशेंट सो गया, बेहोश हो गया, ठीक है, तुम उधर अकेला है, ऑपरेशन 200 किलो का है राइट, और तुम पाओ किलो का. तो आपको राइट टेक्निक आना चाहिए ना लिफ्ट करने का. अब इसमें एक जनरल नॉलेज है, जब भी कोई बेहोश हो जाए ना तो उसका जो हेड एंड वाला पार्ट है ना, जहां पे हेड है, सपोज कोई ऐसे सो गया इधर सिर इधर पैर, हेड एंड हमेशा बहुत वजन होता है. तो उस पेशेंट को अगर हमने स्ट्रेचर पे रखा तो उसका हेड एंड बहुत हैवी होगा, ये याद रखने का. अब ये नॉलेज मेडिकल में पढ़ाई जाती है. मैंने जब से ये नॉलेज पढ़ा, मैं जिस हॉस्पिटल में गया जहां पे पेशेंट को शिफ्ट करना था, मैं हमेशा फुट एंड की तरफ खड़ा रहा. सब नर्स को बोल दिया ये रिजर्वेशन मेरा है, मैं पेशेंट शिफ्ट करेगा तो ये एंड मेरा है. अब उन सबको मालूम था जब तक अवस्थी सर का ड्यूटी है तो ये जगह बुक्ड है. फिर मेरे पीछे बाकी डॉक्टर्स बुकिंग करके रखते थे, तेरे बाद मेरा नंबर है, ठीक है, बाद में जो भी पेशेंट शिफ्ट करना रहेगा उसका फीट एंड मैं पकड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, बिकॉज इफ यू लिफ्ट मोर देन योर कैपेसिटी यू कैन गेट स्लिप डिस्क. जिम में सबसे बुरा क्या होता है मालूम है? समथिंग कॉल्ड एज ईगो लिफ्टिंग. हाँ इन डिफरेंट एक्सरसाइजेस, यू नो व्हाट इज ईगो लिफ्टिंग? हिंदी, सिंपल हिंदी, औकात के बाद. ओके सीधा करेक्ट हो गया ना. नाउ दैट्स लाइक सपोज फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं सपोज 20 केजी लिफ्ट कर रहा हूं, अब आजू में कोई अगर 40 केजी लिफ्ट कर रहा है, उसका फिजिक मेरे से ज्यादा है, तो दैट डजंट मीन दैट कि मेरे को उसको दिखाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए 60 केजी लिफ्ट करना चाहिए. जितना अपने से हो सकता है अपने को उतना ही करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेम मेडिकल लाइन में भी होता है. सोचो हमारा एक पेशेंट था, उसके साथ तो क्या ट्रेजेडी हुआ, उसके पड़ोस में ओके टू वुमेन, सास और बहू. ओके अब होता ऐसा है कि सास ना वॉशरूम गई थी, और वॉशरूम से जब वापस आ रही थी बेड की तरफ ना, तो बेहोश हो गई, चक्कर आया, गिर गई धड़म से. अब बहू घर में अकेली थी तो उसको बेचारी को समझा नहीं, तो उसने नेबर का दरवाजा खटखटाया कि अरे माँ जी 180. अरे मतलब बेहोश हुई है, फ्लैट हो गई है, तो आओ मदद करो. तो हमारा पेशेंट गया वहां मदद करने. अब ये भाई साहब मदद करने गए तो उसने देखा कि माजी कुछ 120-130 केजी की थी. ओके
यानी मतलब अच्छा खासा पेशेंट था, खाते पीते घर का था। अब इसने क्या किया मालूम है, आउट ऑफ कर्टेसी और मे बी आउट ऑफ एक्स्ट्रा हेल्प, इसने वो आंटी को बोला आप मत तकलीफ लो, मैं अकेला उठाएगा। आए भाई सब उठाए और उठा के उनको बेड पे रखे। चलो तब तक एवरीबडी लगा रहे भाई साहब थैंक यू हेलेन लाइमलाइट। अब उसके 3 हफ्ते बाद इसको कमर में दुखना चालू। ओके ही हैड बीन टू 2 to 3 डॉक्टर्स विद सिंपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पेन किलर्स ये सब लिया, नहीं आराम हुआ। ओके एंड देन फाइनली व्हेन ही टर्न्ड अप टू अस, सो हम लोग ने बोला बेसिक मेडिसिन तो लिया है तो इससे बेटर है अब रिपोर्ट्स करवाते, क्यों वो मेडिसिन वापस चालू करे जिससे रिलीफ मिला ही नहीं है। तो रिपोर्ट करवाया तो पता चला उसका डिस्क खिसक गया। देन फिर जब उससे पूछा गया कि वॉज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ इंजरी, कोई मार लगा था, ही वाज लाइक नहीं मेरे को कैसे मार लगे, उल्टा मैं मारता हूं दूसरे को, रफ एंड टफ इंसान था एकदम। देन आई वाज लाइक कि कोई लिफ्टिंग वगैरह, तो बोला हाँ 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 माजी 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 को लिफ्ट किया था, पूरा स्टोरी बताया। मैं बोला अरे पागल, बोला माजी का वजन, तो बोला सर रहेगी कम से कम 150 किलो के आसपास। आई बोला 120-150 kg ऐसे उठा लिया। मैं बोला सर मैं तो हेल्प कर रहा था। मैं बोला ग्रेट, अब तेरा हेल्प कौन करेगा। ओके तो यहाँ क्या हो गया, रॉन्ग टेक्निक हो गया, इसको और 2 लोग को बुला के हेल्प ले लेना चाहिए। ओके कि भाई साथ में लिफ्ट करने में हेल्प करो रादर देन ओवर एग्जर्टिंग। आप समझ रहे हो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अब इससे रिलेटेड अपने देश में तो एक रामबाण इलाज है, अगर किसी को भी कमर का दर्द हो और तुम्हारे आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो उल्टा पैदा हुआ है तो आप उसको घर में लेकर आओ और उसको बोलो कि लात मारे आपको, तो आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा अपने इंडिया में चलता है, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूं, तुमको फैक्ट बता रहा हूं, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। हाँ देखा होगा तुमने अलग अलग शोज में भी। अब कैसा होता है, एक कॉन्सेप्ट है, बच्चा जब मदर के वूम में रहता है ना तो बच्चे का सिर नीचे रहता है। लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल द यूटरस एंड द वजाइना एंड लेट अस से सपोज द बच्चू, बच्चू दिख रहा है सबको। अब अंडर नॉर्मल कंडीशन समझ के लो, बच्चू नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में बच्चू कुछ ऐसा होता है बेटा, समझ रहे हो। तुम्हारे लिए मैंने 2 सेकंड में हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी किया बेटा, उधर का मुंडे इधर। नॉर्मली उसका हेड नीचे आता है, समाज का एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये बच्चे जिनका सिर पहले नीचे आता है ना, जिनका सिर पहले डिलीवर होता है, जो अंदर उल्टा बैठा है उसको दुनिया बोलती है ये सीधा पैदा हुआ। अब इनको देखो, दो से पहले बोले मेरे से, मैं रब कर रहा हूं ना, 2 मंडी वाला बच्चा पागल, ऐसा हो नहीं सकता होगा, चुप रहो, गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला आ जाएगा इधर, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ। अब ये बच्चा जिसका पहले हिप्स बाहर आता है, जो अंदर सीधा बैठा है, इसको समाज बोलता है ये बायोलॉजी एंड समाज लॉजी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। अब ऐसा इंडिया में कॉन्सेप्ट है, ये जो बच्चे होते हैं ना जो उल्टा पैदा होते हैं, किसी को भी कमर दर्द है ये उसको लात मारेंगे तो ठीक हो जाता है, और मेडिकल फील्ड में अक्सर ये देखा गया कि इसके वजह से उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे भी पेशेंट है जिनसे पूछो कमर दुख रहा है, लाइक हाँ सर बहुत इलाज कराया, क्या क्या इलाज कराया, सर पहले तो 4-5 लाख खाया, एंड वी आर लाइक अरे उसके बाद ही बढ़ गया, फिर देखते ना तो वर्टिब्रल बोन्स डिसलोकेट होते हैं, अपने पोजीशन से क्रैक हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसा सब होता है बच्चों। सो रिमेम्बर चाहे जो भी हो ठीक है, डॉक्टर का सलाह लेने का, ये लात भी नहीं खाने का बेटा, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ ज्वाइंट पे जाते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ ज्वाइंट को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। मेरा बच्चा क्या बोलना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये ज्वाइंट आपको कमर की हड्डी में देखने मिलेगा। नाउ लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे दोस्त का कमर, ध्यान से देखना बेटा,
हाँ प्रॉपर शेप का बना एकदम, पतली कमरिया बोलो हाय हाय। ओके अब बात ऐसी है कि कमर की जो हड्डी होती है उसमें होल्स होता है, गॉगल जैसा दिखता है, बताया था मैंने तुमको। अब तुमको सिखाने के लिए मैं तुमको मेरी कमर की हड्डी निकाल के दिखाता हूँ बेटा। आए चुप रहो, चलो ठीक है, ये ध्यान दो यहाँ पे। तुम लोग बोलोगे सर तो ना फालतू बकवास कर रहे हैं, ये यहाँ देखो ये कमर की हड्डी है। अब तुम लोग फ्रंट व्यू से देखोगे ना तो अप्रोक्स ऐसे इमेजिन करके चलो कि ऊपर का पार्ट ना फैन लाइक पार्ट है, ठीक है, ये होल है और ये सॉकेट है साइड में जिसमें फीमर बोन फिट होएगा। अब जैसे मैं खड़ा हूं ना तो मेरे बॉडी के हिसाब से गिरना होगा, बच्चा लोग हंसता है। हाँ इधर देखो, नाउ दिस इज अवर हिप जॉइंट। अब ये और ये कभी भी जुड़ता नहीं है, बीच में गैप रहता है और यहां पे कार्टिलेज रहता है, फाइब्रो कार्टिलेज। विच कार्टिलेज? फाइब्रो। हाँ अब यही तो बात हो रही है, ये फाइब्रो कार्टिलेज मेल्स में जरा भी मूव नहीं करेगा बेटा, ये वाला बट फीमेल्स में एक हार्मोन निकलता है फ्रॉम ओवरी, उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है? रिलैक्सिन। हार्मोन क्या करता है, इस पार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता है, समझ रहे हो? अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारे बॉडी में ये हिप है, ये टच नहीं होता है, इसके बीच में फाइब्रो कार्टिलेज है, अगर तुम सोया हुआ है तो तुम्हारा हिप ऐसा रहेगा। अच्छा अब इसके बीच में जो फाइब्रो कार्टिलेज है ना, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता है। अब बड़ा कर देगा तो अंदर का डायमीटर बड़ा हो जाएगा ना, देखना जब तक ये नजदीक है एक दूसरे के तो अंदर का डायमीटर कम है, और ये बड़ा हो गया थोड़ा तो अंदर का डायमीटर थोड़ा खुल गया। अच्छा ये होने की वजह से अंदर जो बच्चू है वो डिलीवर हो सकता है इजीली। सो फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड बर्थ, फॉर द पर्पस ऑफ लेबर दैट इज पार्चुरेशन, रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड एंड इट इज फंक्शनल ओनली इन फीमेल्स। फीमेल में ये जॉइंट्स लाइटली मूवेबल है, मेल में एब्सोल्युटली फिक्स्ड है। ये क्यों मेल्स में फिक्स्ड है? जरूरत इच नहीं है। बहुत सही बेटा, ऐसे बोलेगा एग्जाम में। हाँ बिकॉज मेल्स में पार्चुरेशन प्रोसेस नहीं होगा ना बेटा। ओके आगे बढ़ते, तुम लोग ना कैसा डॉक्टर बनेगा मालूम, मुन्ना भाई वाला। क्या बच्ची तेरे को तो हार्ट अटैक आ गया है, अब इंजेक्शन देगा। ऑलराइट नंबर थ्री, कार्टिलेजिनस जॉइंट लास्ट टाइम। अब सुना, बहुत मतलब की बात बता रहा हूं, इसे बोलते हैं सिनकोन्ड्रोसिस। क्या बोलते हैं? ये हमारे बॉडी के लॉन्ग बोन्स में देखा जाता है। तुमको मालूम है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? फीमर। हाँ वेरी गुड, याद है तुमको बेटा? हाँ सर। बहुत अच्छे, तुमको जो बायो सिखा रहे ना वो टीचर बहुत अच्छा सिखा रहा है बेटा। यस आदित्य बराबर ना? हाँ बस रजनी मिस, तू रजनी मिस के गुणगान गा। बोलता हूँ मैं मैम, अच्छी बात है बेटा, मतलब बेसिकली तुम लोग बोल रहे हो कि मैं अच्छा नहीं करा रहा हूँ। सर आप ही तो, इसे आप ही अच्छा। नहीं नहीं अमन तू मेरे साइड में अच्छा बस। आदित्य मैं सोनम मिस को बोलूंगा, आदित्य जैसा बोल रहा आप पढ़ेंगे। हाँ आदित्य अब मजा। अच्छा अब हमारे लॉन्ग बोन्स में देखो कैसा होता है ना, दो जगह पे कार्टिलेज की पट्टी होती है, कार्टिलेज की बैंड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज प्लेट, इसको हाईफाई लैंग्वेज में बोलते हैं एपिफाइशियल प्लेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एपिफाइशियल प्लेट। ध्यान से सुनना, एपिफाइशियल प्लेट इज एज गुड एज कार्टिलेज प्लेट। कितनी कमाल की बात है कि ये एपिफाइशियल प्लेट दोनों एंड पे होती है, और मेरा बच्चा सिर्फ इतना हिस्सा कार्टिलेज का बना है, बाकी पूरा हड्डी है। अब इसमें इस एपिफाइशियल प्लेट के इस तरफ ये जो हड्डी का पार्ट है ना मेरा बच्चा, इसको बोलना है एपिफाइसिस। सब लोग नेमिंग मेरे साथ पढ़ो, तो दोनों तरफ एपिफाइसिस होगा,
ये कार्टिलेज प्लेट थोड़ा ऊपर भी होता है कोई कोई बोन्स में बेटा, सो इसको एपिफाइसिस बोलेंगे। अच्छा फिर प्लेट के बाद जो हड्डी का टुकड़ा है उसको बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? डायाफाइसिस। सुन रहे ना सब लोग ध्यान से? हाँ, बाहर के जानवरों पे ध्यान मत दो बेटा। नाउ दिस इज डायाफाइसिस। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते तो जाओ। अब बीच में जो पार्ट बच गया ना, ये दिख रहा है, इसको बोलना मेटाफाइसिस। क्या बोलना है? मेटाफाइसिस। अब बच्चों बात ऐसी है कि 18 साल की उम्र के बाद ये जो कार्टिलेज की प्लेट है इस पे कैल्शियम आके जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिफिकेशन। इसी प्रोसेस को मैं हाईफाई लैंग्वेज में मिनरलाइजेशन भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम एक मिनरल है ना। और हाईफाई लैंग्वेज में मैं इसको ऑसिफिकेशन भी बोल सकता हूं। ऑसिफिकेशन का मतलब एक कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो गया। समझा कि नहीं समझा? समझा? कार्टिलेज जो है बोन में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये वाली पट्टी बोन में कन्वर्ट हो गई तो तुम्हारा हाइट स्टॉप हो जाएगा। 18 साल की उम्र तक हाइट बढ़ सकता है, क्योंकि 18 साल की उम्र तक जैसे जैसे हमारा एजिंग होते जाता है ये कार्टिलेज का बैंड मोटा होते जाता है, और एक बार इसमें कैल्शियम जमा हो गया यानी परमानेंट काम हो चुका है। सो जैसे ही आप याद रखना है एज अ बायो स्टूडेंट, आप 18वें जन्मदिन का जब केक काटोगे, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी ऑसिफिकेशन डे ये याद रखो। ओके, 18 के बाद तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा। फिर भी तुम्हारे पास एक दो साल है ना अभी, मैं क्लास के बाहर ना एक रॉड लगा दूंगा बेटा। हाँ, यहाँ पढ़ा करो, फ्री टाइम में लटका करो। चलो इसका फोटो ले लो। 18 साल से पहले तो कमजोर होगा ना? 18 साल से पहले है ना, हाँ वो हिस्सा थोड़ा कमजोर रहता है, बट मेजर हिस्सा तो बोन है ना, और वो हिस्से की खास बात ये है कि फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा वो एलोंगेट होता है। ओके, और उसके बाद एक बार परमानेंट बोन हो गया तो एकदम स्ट्रांग हो जाता है फिर वो। लेक्चर कितना मिले तक? चार ना। ओके, इतना समझा सबको? अब लास्ट वाला कंटिन्यू चलेंगे हम लोग ना, क्योंकि लास्ट वाले में 6 टाइप है। देखो ध्यान से, इसके पहले हम लोग ने 3 टाइप देखा और अभी 3 टाइप देखा। ओके, अच्छा स्टार्टिंग वाला फ्लो चार्ट एक बार साथ में बोले बेटा। एकदम स्टार्ट में हम लोग ने देखा था जॉइंट्स के कितने टाइप है? 3 टाइप है, बराबर है। अच्छा, सबसे पहला जॉइंट था फिक्स्ड जॉइंट, दूसरा था स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और तीसरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। बहुत अच्छे। फिक्स्ड जॉइंट को हम लोग ने फाइब्रस जॉइंट बोला था, स्लाइटली मूवेबल को कार्टिलेज जॉइंट। बहुत अच्छे। और फ्रीली मूवेबल वाला साइनोवियल जॉइंट। इतना याद है? अच्छा, हाई फाई नाम पहले वाले का था सिन आर्थ्रोसिस, बीच वाला एम्पी आर्थ्रोसिस, लास्ट वाला डाई आर्थ्रोसिस। पहले वाले में 3 टाइप थे, याद करो। पहला सूचर, जिगजैग लाइन था बेटा। अच्छा, फिर दांत का जो था पेग एंड सॉकेट जॉइंट, याद है ना? अमन पेग याद है ना? अच्छा, तीसरा जो था दैट वाज सिन डिस्मोसिस, दो हड्डी आजू बाजू में। क्या एग्जांपल था श्रेयस? हाँ, दो हड्डी आजू बाजू में, रेडियस अल्ना। और कोई एग्जांपल हो सकता है उसका? टिबिया फिबुला। हाँ, वेरी गुड, टिबिया फिबुला। गर्ल्स तुम लोग आंसर ही नहीं दे रहा, आजकल मैं देख रहा हूँ, वेरी बैड। ओके, टिबिया फिबुला। ए चुप रहो, ध्यान दे रहा हूँ। ओके, अच्छा उसके बाद जो कार्टिलेज जॉइंट था अभी अभी, उसके 3 टाइप देखे बेटा। रीढ़ की हड्डी में 2 हड्डी के बीच में इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, फिर कमर की 2 हड्डी के बीच में जो था प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा। ओके, और लास्ट में हम लोग ने देखा सिन कोंड्रोसिस, की लंबी लंबी हड्डियों में कार्टिलेज का बैंड होता है। और कितने साल के बाद हाइट नहीं बढ़ेगा? 18, क्योंकि तब तक ऑसिफिकेशन हो चुका होता है। ऑसिफिकेशन यानी आपका कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। सवास
Now let us go to the last part of this lecture. Which type of joint? Yes, freely movable joint, that is synovial joint. Iska aur ek naam? Diarthrosis. Very good boys, aise hi answer karte raho. अब सबसे पहले इसके डायग्राम से चल कनक अभी देख कनक मेरे को क्या सिग्मा लुक दे रही है एकदम ओके अच्छा सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम से चालू करते हैं नी जॉइंट की बात करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे दोस्त का नी जॉइंट है बेटा नहीं दोस्त का नहीं अपना खुद का बनाते बेटा मालूम क्यों दोस्त का बनाएंगे ना तो नी के अंदर दिमाग बनाना है ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा ओके अब ये ऊपर वाला फीमर एंड लेट अस से सपोज ये नीचे की तरफ टिबिया जो हड्डी ऊपर की तरफ से आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल बोन कौन सा बोन है बेटा और जो नीचे की तरफ है वो है डिस्टल बोन सुन रहा है ना तू yes. अब दोनों बोन्स के एंड में ध्यान से सुनते चलो कार्टिलेज है इस कार्टिलेज को बोलते हैं हाइलीन कार्टिलेज इसको क्या कहते हैं बच्चा हाइलीन कार्टिलेज बस नेमिंग करते जाता हूं हाइलीन अब दोनों हड्डियों के बीच में इधर ना अपने को एक बैटमैन जैसा साइन बना है देख रहे हो बेटा सर मैं स्पाइडरमैन बनाऊ क्रिश हाँ चुप रहो बैटमैन क्रिश बोल रहा सगुन क्या बोल रहे बॉलीवुड मुझे सब दिख रहा है वो दुनिया बहुत बुरी है ए बैटमैन बनाने का बेटा ठीक है ये जो बाउंड्री है इसको बोलना है साइनोवियल मेम्ब्रेन मेरा बच्चा क्या बोलना है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन अच्छा और अंदर जो जगह है उसको बोलो साइनोवियल कैविटी क्या बोलोगे बेटा साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल कैविटी में जो पानी भरा है उसको बोलना है साइनोवियल फ्लूइड क्या बोलना है चलो ध्यान दो सब लोग सो एक्चुअली हमारे हर जॉइंट के दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है बेटा और इस कैविटी के अंदर जो पानी भरा होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं फिर इसके बाद में बच्चों दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ के रखने का काम है ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स का जिसको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं क्या बोलते बच्चा अब ये मैंने तुमको सिखाया है कि टेंडन जो होता है वो मसल और बोन को कनेक्ट करता है शरीर में जो रस्सी जैसे स्ट्रक्चर है अगर उस रस्सी जैसे स्ट्रक्चर को तुम टेंडन बोल रहे हो तो टेंडन किसको और किसको कनेक्ट करेगा मसल और बोन को और अगर तुम लिगामेंट की बात कर रहे हो तो वो किसको कनेक्ट करेगा इतना याद है ना बेटा ओके देखो ये जो है ना ये एकदम टिपिकल डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का कॉलेज एग्जाम का सबसे फेवरेट आंसर कॉलेज वाले साइनोवियल जॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए बोलते ही बोलते हैं तो ये डायग्राम ड्रॉ करने का और उसके टाइप से डिस्क्राइब करने का कितने टाइप थे टोटल छह थे देखो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहां कहां देखने मिलेगा नंबर वन ये आपको शोल्डर में देखने मिलेगा एंड नंबर टू ये आपको हिप में देखने मिलेगा बोलो हाँ कि ना बेटा हाँ अच्छा शोल्डर में आपका ह्यूमरस नाम का हड्डी स्कैप्यूला बोन के ग्लिनॉइड कैविटी में जुड़ेगा बेटा ग्लिनॉइड कैविटी स्कैप्यूला में होता है मैं दिखाता हूं तुमको थोड़ी देर में हिप जॉइंट में फीमर नाम का हड्डी हिप बोन के खड्डे में जुड़ता है जिसका नाम है एसिटाब्यूलम
क्या नाम है? हाँ ये याद रखना बेटा। चलो अब इसको देखते जाते हैं साइड बाय साइड। देखो ये कैसा है ना बच्चों, ये अपना स्कैपुला है। ओके अब स्कैपुला में यहाँ ये खड्डा दिख रहा है। अच्छा सबको मालूम है ना स्कैपुला अपना शोल्डर ब्लेड है, ये हड्डी यहाँ होता है बेटा। ओके अब इसके बाजू में यहाँ पे खड्डा है। ओके इसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लिनोइड कैविटी। अच्छा और ये हड्डी देखो ये ह्यूमरस है। अच्छा ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म, ये यहाँ पर होता है बच्चों, ठीक है अपने अपर आर्म में बेटा इतना, ठीक है। अब ये हड्डी स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी में फिट होगा, यानी ये स्कैपुला अगर यहां पर है, ठीक है तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, और ये मेरा ह्यूमरस, तो ये यहां फिट होके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है बेटा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर में है उसका फायदा ये है कि ये मेरे को मस्त 360 डिग्री रोटेशन दे रहा है, करेक्ट। अच्छा बट क्या वही 360 आपको पैर में मिल सकता है? नहीं। तो आप पैर ऐसा पूरा घुमा सकता है? ट्राई भी मत करना यार, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, मेरे पे नाम आएगा, बोलेगा सर ने स्टंट दिया था, मैं स्टंट मार रहा था फ्रैक्चर हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है, हमारी ये जो कमर की हड्डी है, ओके ये हिप बोन है, हिप बोन में जो बड़ा सा खड्डा है ना बच्चों, इसको एसिटाब्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाब्यूलम। अच्छा और ये हमारा फीमर लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बच्चों, तो ये यहाँ पे फिट होता है ऐसा, ये देखें। अच्छा अब ये यहाँ पे ऐसा फिट होगा तो इसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ देखने वाली बात ये है कि स्कैपुला में जो ग्लिनोइड कैविटी था वो इतना गहरा नहीं था, एसिटाब्यूलम बहुत गहरा खड्डा है ना, तो ये इसके अंदर तक फिट होएगा तो इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा अपने को, थोड़ा बाहर ही बाहर फिट रहता तो घूम जाता ना ज्यादा। कुदरत ने ऐसा ये इसलिए किया ताकि नेचर चाहता था कि हमारा जो हिप है ना वो ज्यादा स्टेबल रहे। इंग्लिश शोल्डर में देयर इज मोर मोबिलिटी लेस स्टेबिलिटी, कुछ समझ रहे? यानी लोगों का शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, मान लो फास्ट बॉलर्स, ठीक है राइट, तो शोल्डर वो बॉल निकल जाएगा यहां से तो उसको वापस से प्लेस करना पड़ता है अंदर, बट हिप्स में देयर इज मोर स्टेबिलिटी बट लेस मोबिलिटी, पूरे शरीर का वजन आ रहा है तो ज्यादा स्थिर रहना चाहिए ना, स्टेबल रहना चाहिए, इसलिए भगवान ने ये खड्डे को गहरा बनाया बच्चों, ये समझा? हाँ सर। अब सुनो, हाँ ये डायग्राम को मॉडिफाई करो और इमेजिन करो, इसके पूरे के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज, इस खड्डे में भी हाइलिन कार्टिलेज है और ये एकदम भी फिट नहीं करता है, दोनों के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है बच्चों, फिट नहीं कर रहा एकदम, साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, तो कैसा होता है ना कि एक स्पंज की तरह काम करता है, तो मूवमेंट और ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं बेटा, ये याद रखने का। ओके तो ये हमारा फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट उसके बाद मेरा बच्चा याद रखना है सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपको एल्बो में देखने मिलेगा और नी में देखने मिलेगा। देखो दरवाजे के किनारे बच्चों वो जो स्टील की पट्टियां होती है ना छोटी छोटी, जिसकी मदद से दरवाजा खुलता और बंद होता है, उसको हिंजेस बोलते हैं। वैसे हमारे एल्बो में ये हिंजेस की तरह काम करते हैं ताकि एल्बो खाली ओपन हो और क्लोज हो। अब एल्बो में ऐसा जॉइंट हम लोग देखते हैं बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, ये ह्यूमरस है बेटा। अब ह्यूमरस के पीछे होल है, अल्ना देखो, अल्ना परफेक्टली उसमें फिट होएगा, सो दैट ये एल्बो जॉइंट बना देगा बेटा, तो ये दरवाजे की तरह सिर्फ ओपन और क्लोज हो सकता है ना। देखो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह रोटेशन नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ फ्रंट और बैकवर्ड मूवमेंट दिखा रहा, यानी अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज में तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज मल्टी एक्सियल जॉइंट, मूवमेंट कैन टेक प्लेस अलोंग मल्टीपल एक्सेस, जहां पे 360 डिग्री रेंज ऑफ मूवमेंट है, बट यहां पे तो ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री है ना, पक्का ना कि उसके आगे भी जा सकता है, नहीं टूट जाएगा बेटा, जाने को तो जा सकता है पर टूट जाएगा बेटा। ओके सो दैट इज हिंज जॉइंट। थर्ड टाइप को बोलते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट। आहा क्या गाली दिया बेटा, क्या सर गाली दिया, मैं कॉन्डिलोइड जॉइंट हंसा ना करो बेटा,
बेटा ध्यान दिया तुम, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। कौन सा फिर वापस की कर गया कनाट बीमारी हो गई है सर लगता है तू भी आसर है। हाँ हाँ सब लोग तेरा ही नाम ले रहे हैं, तू बहुत पिटेगा आज। ओके कॉन्डिलॉइड जॉइंट, चलो ध्यान दो। कॉन्डिलॉइड जॉइंट आप देखोगे हमारे स्कल बोन में, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो दोस्त है बेटा, कैसे पता चला दोस्त का स्कल है? हाँ खाली है ना, ब्रेन बनाया क्या बेटा मैंने? नहीं हाँ तो किसका स्कल है? दोस्त का स्कल। अब यहाँ नीचे राउंडेड पार्ट होता है जो हमारे रीढ़ की पहले हड्डी के साथ जुड़ता है। रीढ़ की पहले हड्डी को बोलते हैं एटलस, याद है? हाँ। और स्कल में ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। और इस जॉइंट का दूसरा नाम है एटलांटो ऑक्सीपिटल। हाँ ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। दिस इज यस जॉइंट और नो जॉइंट? यस जॉइंट। क्यों यस जॉइंट? हाँ बोलने के काम आता है। चलो देखें, ये गर्दन की पहली हड्डी, इसका नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस। एटलस पे तुम को दिख रहा है कि दो रिसीव करने के लिए खड्डे जैसा पार्ट है। अच्छा, और ये हमारे दोस्त का स्कल बोन। स्कल बोन में तुमको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट? मैं फिंगर हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने ब्लैक मार्कर से भी मार्क किया इसको। इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? अब इस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में जो हमारा एटलस नाम का बोन है वो फिट होएगा। और ये जब इसमें फिट हो जाएगा तो साइड व्यू में ये डाउन एंड अप मूवमेंट करने के काम आएगा। सो एटलस और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में है इसलिए इसको बोलते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या बोलते हैं? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और इसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट क्यों बोला है? क्योंकि किसी भी हड्डी का पार्ट जब राउंडेड फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसको कॉन्डाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। हाँ तो ये याद रखना। चलो तीन टाइप हो गए, अभी कितने टाइप बाकी है बेटा? तीन। और तीन बाकी है। नेक्स्ट जॉइंट का नाम है ग्लाइडिंग जॉइंट, ध्यान देना। इसका एक और नाम है स्लाइडिंग जॉइंट। अब ये हमारे कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में होता है। इंटर कार्पल जॉइंट एंड इंटर टार्सल जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्पल जॉइंट्स कहां होते हैं बच्चों? रिस्ट में। तुमको याद है मेरे हाथों में आठ आठ कार्पल्स है। बॉलीवुड इज लाइक मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया है। अब बात ऐसी है, वैसे ही पैर में, एक पैर में सात टार्सल है। अब कार्पल और टार्सल सबके सब ऐसे इरेग्यूलर शेप के बोन होते हैं बच्चों। ऐसी छोटी छोटी हड्डियां जब बाजू बाजू में आती है ना तो दो दो हड्डियां आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। तो इस तरह के मूवमेंट और जॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट और स्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट नंबर फाइव, पाइवोट जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्दन का जो पहला हड्डी तुमने अभी अभी देखा उसका नाम था एटलस, बट गर्दन का एक और दूसरा हड्डी होता है उसमें से ऐसा एक प्रोजेक्शन ऊपर को निकलता है, उस हड्डी का नाम है एक्सिस। क्या नाम है? एक्सिस। एक्सिस नाम की हड्डी का ये जो प्रोजेक्शन निकल रहा है इसे बोलते हैं ओडोन्टॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? ओडोन्टॉइड प्रोसेस। अब इसकी मदद से इसके ऊपर जो स्कल बोन है वो साइड टू साइड रोटेट करेगा। सो पाइवोट जॉइंट में हमको किस तरह का मूवमेंट मिलता है? रोटेटरी मूवमेंट। इसको हम लोग एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग साधारण भाषा में नो जॉइंट। समझ रहे हो ना सब लोग? ये मैं दिखा देता हूं, ये हड्डी ढूंढना पड़ेगा एक मिनट। एटलस बाहर है, एक्सिस यहां देखना सब लोग। ये हमारे गर्दन का दूसरा हड्डी है, इसको सामने से देखो, ये ओडोन्टॉइड प्रोसेस दिख रहा है। अच्छा अब यहां देखो, ओडोन्टॉइड प्रोसेस के ऊपर ये एक्सेस के ऊपर एटलस नाम का हड्डी ऐसे जुड़ेगा। अब पता है एटलस के ऊपर तो स्कल है तो ये इसको ऐसे साइड बाय साइड रोटेशन करवाएगा।
यानी हमारे बॉडी में ये नो मूवमेंट है ना, और क्योंकि ये एटलस और एक्सेस के बीच में है इसलिए एटलांटो एक्सियल जॉइंट नाम है इसका, इसको नो जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नो जॉइंट। अच्छा, अब लास्ट टाइप, सिक्स्थ टाइप, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का एग्जांपल है बेस ऑफ द थंब। बेस ऑफ द थंब जॉइंट में कार्पल बोन्स में एक हड्डी है जिसका नाम है ट्रपेजियम। ये जुड़ता है फर्स्ट मेटाकार्पल के साथ, यानी एग्जैक्टली ये हमारे बॉडी में यहां होगा बच्चों, करेक्ट है, क्योंकि हमारे रिस्ट में चार हड्डी नीचे चार हड्डी ऊपर है। अच्छा, इस तरफ जो हड्डी होगी वो ट्रपेजियम होगी, अच्छा उसके ऊपर ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, तो ये मेटाकार्पल और ट्रपेजियम के बीच में यहां पे दोनों हड्डी का शेप सैडल शेप होता है। सैडल का मतलब ये होता है कि घोड़े के ऊपर बैठने का जो चमड़े का पट्टा रखते हैं ना, पता है जिसपे बैठते हैं उसको सैडल बोलते हैं बच्चों। अब उसका शेप कैसा है, एक तरफ से वो दबा हुआ रहता है ताकि वहां पे बैठ सके, बाकी दो जगह से वो उठा हुआ होता है बेटा। तो यहां पे इसको सैडल जॉइंट इसीलिए बोला है क्योंकि अगर एक हड्डी का शेप ऐसा है, सब ध्यान से देखना, तो दूसरा हड्डी उसका ऑपोजिट होगा ना, ये बाहर को निकल रहा है तो दूसरा हड्डी यहां से अंदर को जाएगा और यहां से बाहर को निकलेगा। बताओ यस और नो? यस। ताकि ये कॉम्प्लीमेंटरली एक दूसरे में फिट हो सके बेटा, इसलिए लास्ट वाले जॉइंट को बोलते हैं सैडल जॉइंट। इतना समझा? ओके, इसका फोटो ले लो। अच्छा, अभी हम लोग ना यहाँ पे स्टॉप करेंगे बच्चों, अब खाली लास्ट फाइव मिनट्स के लिए तुम लोग ये बोन्स एक बार वापस से देख लो आराम से जॉइंट्स के टर्म्स में, और आते लेक्चर में हम लोग जॉइंट्स और बोन्स से रिलेटेड अलग अलग डिजीजेस पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आज जितना सिखाया समझा सबको। यस और नो? यस। एटलांटो ऑक्सिपिटल। हाँ, ऑक्सिपिटल। आज के बाद कभी यस नहीं बोलने का, बोलने का एटलांटो ऑक्सिपिटल। ये बात हुई ना यो आयो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन आयो। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बंद कर दीजिए।